धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। कृपया सभी बैठ जाएं जो पंडाल से बाहर हैं, जल्दी से आ जाएं। जिन्होंने शास्त्राम जी ग्रीन एस वेलफेयर फॉर स्विंग में सेवा के लिए नया प्रसाद लेना है तो उन भाइयों ने शेड के 54 नंबर पिलर के पास, 54 नंबर पिलर के पास, और बहनों ने 148 नंबर पिलर के पास बैठना है। लेकिन इससे पहले ग्रीन एस के जिम्मेवारों को अपना नाम लिखवा देना है जी। और डेरा सच्चा सौदा के जो इंसा के नियम हैं वो आपको पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। प्रेम से आपने बैठकर नियमों को सुनना है। डेरा सच्चा सौदा के इंसान के लिए नियम नोट, यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि अपने अपने धर्म में रहते हुए सर्व धर्म को एक व इंसानियत को मानना है। नियम एक, अपना उपनाम जैसे शर्मा, वर्मा, अरोड़ा, संधु आदि की जगह इंसान लिखे। नियम दो, शराब नहीं पीना। नियम तीन, मांसंड का सेवन नहीं करना। चार, पर स्त्री व पर पुरुष को आयु के अनुसार बड़े हैं तो माता पिता के समान, बराबर के हैं तो भाई व बहन के समान, तथा छोटे हैं तो बेटा या बेटी के समान मानना। नियम पांच, सात दिन में से कम एक दिन या छह घंटे परमार्थी सेवा करना या महीने में चार पांच दिन सेवा करें। नियम छह, सुबह उठने के बाद अपने से बड़ों के पांव को हाथ लगाना, नारा लगाना और छोटे बच्चों को प्यार से आशीर्वाद देना व नारा लगाना। नियम सात, लोगों को बुराइयां छुड़ाकर नाम गुरु मंत्र के लिए प्रेरित करें क्योंकि सतगुरु जी के वचन है कि किसी जीव को अगर आप बुराइयों से बचाकर मालिक से जोड़ते हैं तो उसका सैकड़े गाय पुण्य करने जितना फल मिलता है। नियम आठ, ठगी, बेईमानी, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार की कमाई से सख्त परहेज करना, सदा हक लाल व मेहनत की कमाई करके खाना। नियम नौ, दिन का आगाज मालिक के अरदास व सुमरन से होना जरूरी कि मालिक अच्छे कार्य करूं व सबका भला करूं, तेरे दर्श कर सकूं। नियम दस, कुछ भी खाने से पहले मालिक का सुमरन व अरदास करना कि मालिक रूहानी तंदुरुस्ती व ताजगी देना। नियम 11, कमाई का 15वां हिस्सा सृष्टि की निस्वार्थ सेवा में अपने हाथों से दान करना या शास्त्राम जी ग्रीन एस वेलफेयर फॉर स्विंग में देना ताकि जरूरतमंद की सहायता की जा सके। नियम 12, अगर दान ही करना है तो खून दान, विद्या दान, मरणोपरांत नेत्र दान या पूरा शरीर दान करना व सृष्टि की सेवा के लिए पैसा खर्च करना। नियम 13, व्यवहार लेन देन का सच्चा व खरा होना जरूरी। नियम 14, ऊंच नीच व जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना। नियम 15, सभी नशीले पदार्थों से परहेज करना तथा दिनचर्या में कसरत को शामिल करना, जितना हो सके अपना काम स्वयं करना। नियम 16, अधिक ब्याज दर पर पैसे नहीं देना तथा किसी लाचार व गरीब का शोषण नहीं करना। नियम 17, अभद्र शब्दों का प्रयोग न करते सदा मीठा बोलना। नियम 18, ख्याल, वचन व कर्म में सच्चाई का होना जरूरी। नियम 19, परनिंदा, ईर्षा व टांग खिंचाई को छोड़कर लोगों को मालिक की तरफ प्रेरित करना। नियम 20, दीनता, नम्रता और सादगी में रहना। 21, दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बालश्रम आदि कुप्रथाओं को छोड़कर एक अच्छे समाज का निर्माण करना। ध्यान रहे कि लड़की को परिजनों द्वारा स्वेच्छा से दिया गया धन व सामान दहेज नहीं है बल्कि यह लड़की का हक है। नियम 22, लड़के लड़की को एक समान मानना व बराबर का हक देना। नियम 23, किसी को मुसीबत व दुर्घटना में फंसा देकर उसकी यथासंभव सहायता करना। नियम 24, हटे कटे भिखारी को भिक्षा न देकर उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित करना। 25, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, लाचार को सहारा, अनपढ़ को शिक्षा और संभव हो तो बेरोजगार को रोजगार देना। नियम 26, किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाना। 27, अपने गुरु की निंदा न सुनना तथा न ही बहसबाजी में पड़ना, न ही किसी की निंदा करना। नियम 28, कुसंगत से बचकर हमेशा भजन, सुमरन व अच्छी बातें करने वालों का संग करना। नियम 29, पूरी गैरत यानी अणक से सच के मार्ग पर चलना। 30, न जुलम करो और न सहन करो। नियम 31, परोपकार ही धर्म है व इंसानियत ही जात है। 32, नियमानुसार लगातार सुमरन करना, कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा साई को सुमरन करना। नियम 33, हो सके तो 2 से 4 सुबह नाम जपो आधा या 1 घंटा, फिर नाश्ता करना, मेहनत की कमाई करना, परिवार को समय देना, सोने से पहले आधा या 1 घंटा नाम जपे, सही समय पर सोना। नियम 34, इंसान का लोकेट हमेशा पहन के रखना ताकि हम एक व मालिक भी एक है याद रहे। नियम 35, अपने देश व अपने सच्चे सतगुरु की आन बान शान के लिए मर मिटना। नियम 36, अहिंसा का पालन करना, अर्थात किसी भी जीव की हत्या नहीं करना और न ही उसे सताना। नियम 37, जब कोई औरत गर्भवती हो तो उसको चाहिए कि वह अपने धार्मिक ग्रंथ शब्द सत्संग व योद्धा शूरवीरों की कथाएं पढ़े और देखें, इससे होने वाले बच्चे के जीवन पर बहुत अच्छा असर होता है। नियम 38, खाना खाते समय सत्संग या भजनों की कैसेट या सीडी ही सुनना और देखना। 39, कहीं भी कोई अश्लीलता जैसे टीवी में, फिल्म या पत्रिका इत्यादि में हो तो उससे परहेज करना। नियम 40, पेड़ पौधे लगाएं और उसकी संभाल भी करें ताकि वातावरण शुद्ध रहे। 41, अगर कोई बहन छोटी उम्र में विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह करवाना, अगर नहीं करवा सकते तो डेरा सच्चा सौदा सरसा के कमरा नंबर 50 में पर करवाना। नियम 42, पाखंड व दिखावे से दूर रहना, जैसे मढ़ी मसानी, भूत प्रेत, टोने टोटके, मरणोपरांत फिजूल खर्चे, ढोंगी गुरु आदि से हमेशा दूर रहना। नियम 43, समाज में फैली कुरीतियों व बीमारियों के प्रति सजग रहना व सजग करना। नियम 44, बदलते हुए समय की मांग के अनुसार बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चों को कुछ करने का मौका दें और गृहस्थ की जिम्मेवारी बच्चों पर डालकर खुद भक्ति मार्ग अपनाना। नियम 45, कुछ मिला है तो उसका अहंकार न करें और जिसकी चाह है उसके लिए ईमानदारी से मेहनत व स्मरण करना, चिंता टेंशन नहीं करना। नियम 46, जब भी गुस्सा आता है तो नारा लगाकर ठंडे पानी का गिलास पीकर 5 मिनट स्मरण करना, जहां तक संभव हो क्रोध से बचकर रहना। और नियम 47, मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ प्रेम करना। ये इंसान की 47 नियम आपको पढ़कर सुनाई, जिन्होंने आज रूहानी जाम पीना है सामने बैठते जाएं, जो सचखंड हाल से आ रहे हैं जल्दी से आप बैठते जाएं जी।
और रूहानी जाम केवल एक बार ही पीना होता है, यानी जिन्होंने पहले रूहानी जाम पिया हुआ है तो दोबारा आज नहीं पीना, केवल एक बार ही रूहानी जाम पीना होता है। और जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंत्र नहीं लिया होता उनको रूहानी जाम नहीं पिलाना होता। रूहानी जाम आपने यहीं पर ही पीना है, घर पर साथ लेकर नहीं जाना। इन बातों का सभी ने पूरा ध्यान रखना है। जो दूर दराज के प्रांतों से या विदेशों से रूहानी जाम पीने के लिए आए हैं तो उन भाइयों ने शेड के 51 नंबर पिलर के पास मिलकर बैठना है। प्रेम से सभी ने बैठते जाना है। जो सचखंड हाल से आ रहे हैं बहनें जल्दी से आएं और सामने आकर बैठते जाएं। भाइयों से भी प्रार्थना है जल्दी से सभी बैठ जाएं। रूहानी जाम केवल एक बार ही पीना होता है, यानी जिन्होंने पहले रूहानी जाम पिया है तो आज दोबारा नहीं पीना। और जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंत्र नहीं लिया होता उनको रूहानी जाम नहीं पिलाना। रूहानी जाम आपने यहीं पर ही पीना है, घर पर साथ लेकर नहीं जाना। जिनके पास रूहानी जाम वाले गिलास नहीं आए हैं तो हाथ ऊपर कर लें ताकि सेवादार आपके पास गिलास पहुंचा सके। जिनके पास गिलास नहीं आए हैं तो हाथ ऊपर कर लें ताकि सेवादार गिलास आपके पास पहुंचा सके। और सामने बैठते जाएं। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी साहब भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। प्रेम से सभी ने बैठते जाना है। जो बहनें खड़ी हैं साइडों में बैठ जाएं। भाइयों से भी प्रार्थना है प्रेम से सभी बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। खड़े नहीं होना किसी ने भी, जल्दी से सभी ने बैठते जाना है। जो रूहानी जाम पीने के लिए आए हैं सामने बैठते जाएं, बहनें भी सामने आकर बैठती जाएं। प्रेम से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। जो पंडाल से बाहर हैं वो भी जल्दी से पंडाल में आ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक छोटा बच्चा गुम हुआ यहाँ पर आया है, सेवादार भाई की गोद में ये बच्चा है। जिस किसी के साथ ये बच्चा है तो अपने बच्चे को यहाँ से ले जाएं। ये अपना नाम प्रिंस बताता है और अपने पिता का नाम जगदेव। जिसके साथ ये बच्चा है अपने बच्चे को यहाँ से ले जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। होर सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे लखां बहर समुंदर एक पासे किनारा एक पासे और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे और सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुर प्यारा एक पासे लखां बहर समुंदर एक पासे बहर समुंदर एक पासे ते दिल दा किनारा एक पासे और सारी सारी हाँ सारी दुनिया एक पासे मेरा मुर्शिद प्यारा एक पासे शान सुनामा मैं तुझे बिच दरिया नू पामा मैं
दरिया नू पामा मैं नूरी चंद ते सूरज इक पासे एहे हुस्न दा तारा इक पासे होर सारी दुनिया होर सारी दुनिया इक पासे मेरा मुर्शिद प्यारा इक पासे ठीक जमाने नू पुला फिर दासी असल टिकाने नू किता पल विच ठीक जमाने नू पुला फिर दासी असल टिकाने नू तेग दो तारी इक पासे अखियां दा इशारा इक पासे और सारी दुनिया इक पासे मेरा सोना सतगुरु इक पासे जी। प्यारे सत्संग जी, बैठ जाए, नीचे बैठ जाओ बेटा, सब लोग बैठ जाओ। तो जैसा ज्यादातर सत्संग को मालूम है, ये रूहानी जाम पिलाते हैं और उसके लिए कसम दिलाते हैं। तो सबसे पहले उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा मालिक के नाम की, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। दूसरा, इस धरती पे जो पहले गुरु मुर्शिद कामिल आए उनके पवित्र नाम की। तीसरा, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सर्वधर्म संगम चलना सिखाया, सच्चे मुर्शिद कामिल साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के नाम।
और चौथा हमारे दाता रहबर गुरु मुर्शिदे कामिल सतगुरु मालिक शास्त्र राम जी महाराज के नाम, और पांचवा सात संगत भगवान का रूप है। आपका प्यार मोहब्बत दृढ़ विश्वास बढ़ता चला जाए, आपके प्यार मोहब्बत दृढ़ विश्वास के रूप। तो सेवादार आ जाए जी, और जो राम नाम का जाप करेंगे यहां आके, जिनकी सेवादारों ने ड्यूटी लगाई है, इसको हिलाओ, ज्यादा गहरा नहीं डालना, इतना इतना ही, इतना इतना ही, इतना इतना बस, इसको हिलाते रहो, सिमरन करते रहो, नाम जपते रहो, पूरा इसको हिलाते रहना है। तो आपकी सेवा में आ रहे हैं जी। बैठ जाएं प्यारी सास संग जी, बैठ जाएं माता बहनों, बैठ जाओ अपनी जगह पे आराम से। तो बहनों की तरफ और भाइयों की तरफ जो आज रूहानी जाम पीने आए, जरा हाथ खड़ा कीजिए, बस थोड़ी देर के लिए हाथ खड़ा करें जी। बहुत सास संगत है, हाथ नीचे कर लीजिए, नीचे कर लें हाथ। तो भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं, कोई वचनों में गलती है तो नारा लगा दें, आइंदा से ख्याल रखें, हाथ नीचे कर लो, नीचे कर लो हाथ। तो अब आपको वो रूहानी जाम पिलाया जाएगा। तो ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम, ये है रूहानी जाम, खुशियां दिलवाता है तमाम, ये रूहानी जाम। सो श्रद्धा भावना से, सच्चे दिल से, तड़फ से अगर आप इसे पिएंगे, यकीनन रिजल्ट हाथों हाथ भी मिलता है। फार्म भरना होगा, फिर ये लॉकेट आपको मिलता है, फिर ही रूहानी जाम पूरा असर करता है, ये आपको पहले बता दें। तो अब रूहानी जाम शुरू करेंगे, पर उस मालिक का धन्यवाद। और धन धन यानी धन्य है सतगुरु ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है। तो साईं जी ने ये नारा सर्वधर्म सांझा लाया, सो उस नारे को लगाना है सबने मिलकर जोर से, और जोर से फिर रूहानी जाम शुरू करेंगे। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। चले बेटा, दोनों तरफ एक जितनी संगत है, आप तेजी करें दोनों तरफ, रूहानी जाम शुरू कर दीजिए। शाबाश शाबाश, हिम्मत से बेटा चलिए। और एक भजन आज, वैसे तो राजस्थान का हफ्ता है, सेवादार राजस्थान के आए हैं सेवादार कुछ ड्यूटियों पे जी।
तो रोहानी जाम आपने पीते रहना है और पिलाते रहना है, तेजी कीजिए। देखते हैं आज फिर पहले भाई पिलाते हैं या बहने, मुकाबला हमेशा रहता है। तो तेजी से, हिम्मत से आगे जल्दी कीजिए सब लोग, और भजन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी, चलिए भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आस।
ज्ञान सब के सब जल गाए जब दताया आए आए जब दताया आए नाचने लगी मैं मस्ती में जब दर्श किया कि पाए पाए दर्श पाए पाए अपने आप जुबा में मोरे रंग नाद दिया गया मैनु मुबारक लोग कहीं मुबारक मोरे मोरे सजाया सजाया शाश्वत नाम जी रत मोरे ने मोरे सजाया 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 दशमीत जो कख तिरुदी चरणों से जी लगाया 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 परोपकार में कैसे सुनाऊं दशम का दशमा गया लोग जी विराज जी अपनी जगह ले लीजिए सत्संग जी बैठ जाए जल्दी से बैठ जाओ बहनों यहां भी जगह है आप खड़े हैं वहीं बैठ जाइए जल्दी कीजिए हाँ बैठ जाए शाबाश और रूहानी जाम भाइयों की तरफ आ गया कि कोई रह रहा है तो हाथ हिलाएं जी जिनको रूहानी जाम नहीं मिला पीछे एक दो हाथ हिलाए हैं इधर कोई रूहानी जाम से रह गया हो भाई हाथ हिलाएं ऐसे हाथ हिलाएं कब से जी इधर रह रहे हैं भाई सामने बहनों की तरफ अगर कोई रूहानी जाम से रह गया हो तो खड़े होके हाथ हिलाओ खड़े होके हाथ हिलाएं बहनों ऐसे हाथ हिलाएं इधर बहने हैं तीन चार इधर भी हैं दो हाँ वो आपके पास ही खड़ी थी आप आगे चले गए तो ये बहनें रह रही हैं बराबर से उधर भी उतने ही पांच छह हैं और उधर भी पांच सो इस बार तो बराबर है भाई सो आप नारा लगा के बैठ जाएं बेटा थोड़ी ही संगत रहेगी ये जी आप नारा लगा के बैठ जाएं जितना सुमन किया सुमन सेवा का मालिक दरगाह में फल मंजूर करे खुशियां बख्शे आशीर्वाद आशीर्वाद बैठ जाए बेटा विदेशों से जहां भी ने रवि दत्ता लतीना इटली से आशीर्वाद बेटा बहुत स्वागत आशीर्वाद बैठ जाए और भी आया अमन इंसा परिवार सिडनी ऑस्ट्रेलिया विकास इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया और विकास जी दिंदु के मध्य बैंक में 21,000 रुपए जमा करवाते हैं जी
खड़े हो जाएं परिवार, आशीर्वाद सेवा सुनने मन लगे, घरों में खुशियां हो, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, बैठ जाएं बेटा। विदेश वापिस जाना है राजवीर इंसान, बीर पिंदर कौर इंसान, प्रसाद ले जाना है, एम एस जी एडम में मिलना, जो भी विदेशों से आते हैं जाते हैं एम एस जी एडम में मिलके जाएंगे। पहली बार विदेश जाना पार्ल पर्थ ऑस्ट्रेलिया, बचनों पर रहो, सुमन करते रहो, प्रसाद ले जाना मालिक साथ जी। पश्चिम में मेरे बहनों की हाजिरी है, राजस्थान में दो नहीं आए हैं, बाकी सभी राजस्थान की आई हैं, सो एक सुंदर सकार आशीर्वाद आशीर्वाद। ब्लाक पांच नहीं आए, बाकी सभी आए हैं आशीर्वाद। पश्चिम मेंबर चार नहीं आए, सत्संग राजनीतिक बिंग 100% है, राजस्थान वाले हाथ खड़ा करना जी, सत्संग जो आई है इतने तो नहीं है जितने आपने लिख रखा है, बहुत कम संगत है जी, सेवा भी चल रही है पर आपने लिखी तो बहुत ज्यादा है ना, अंदाजे से लिखा ये देखो, अंदाजे से लिखा, इतने बार वचन हो गए कि भाई अंदाजे से नहीं लिखना, जितने हो उतने लिखा करो है जी, ये मजाक नहीं है, हाँ कोई खतरा खा जाओगे भाई, यहां तो जितने हैं उतने लिखो, कोई वचन निकल गया, संगत इतनी है ही नहीं जितनी आपने लिख रखी है भाई, आप निगाह रखो आप। ठीक है बैठो, तो जो भी सात संगत आई राजस्थान की जितनी भी आई है आशीर्वाद। शास्त्र गिनेस वेलफेयर फोर्स में का प्रसाद लेना, सात बहने 19 भाई खड़े हो जाएं, इटली से भी आए हैं, भंगीदास का प्रसाद लेना, एक भाई खड़े हो जाइए, दूर दराज से आए बिहार से फौजी भाई, महाराष्ट्र से 50 भाई खड़े हो जाए, तो स्वागत बेटा आप सबका, बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लेना और जी आया नु बहुत बहुत स्वागत आशीर्वाद, बैठ जाए जी। हाँ आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, घर जाने वाले सेवादार 7 से 50 दिन वाले, जितनी सेवा की सेवा सिमट सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक झोलियों में डाले, घरों में खुशियां दे, मालिक से दुआ करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं आशीर्वाद, बैठ जाएं। आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए दिन के मध्य बैंक में पैसे जमा कर, पैरामेडिकल स्टाफ के भाई 7107 और 198 भाई बहन बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, खड़े हो जाएं जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद सेवा से उन्हें मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, बैठ जाए नारा लगा के आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने छोटा छोटा पांच परिवार खड़े हो जाए, संदौखी अंबाड़ा से, मुक्तसर पंजाब से, रामनगरिया सैनी से, सरसा हरियाणा से और संगर श्री गंगानगर से, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए, तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं, सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना, जो जख्म देते मरण भी जरूर देते, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, तो नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए सारे परिवारों को, बाकी जो भी सत्संग पधारी है आप सबका बहुत बहुत स्वागत, जी आयनो क्षोम दिन कहते मोस्ट वेलकम। अभी लंगर भोजन लेना है सारी सत्संग ने, उसके बाद जाने का विचार समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, और जब तक आप घर नहीं पहुंचते मालिक से यही दुआ है, सत्संगों से बढ़ के मालिक आपको खुशियां बख्शता रहे जी, सब थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहे, सत्संग बहुत लेट हो जाती है, 10 बजे सत्संग शुरू होता है, तो आप कम से कम 9:30 बजे तक या 10 बजे तक यहां पहुंच जाया करो। सारी सत्संग से सेवादारों से प्रार्थना है, अब तो 2 बज गए, नाम देते टाइम 1 बजा था तो भी सत्संग नहीं आई, तो आपसे प्रार्थना है 10 का टाइम है तो आप 9:30-10 बजे तो पहुंचा करो, ज्यादा से ज्यादा 10:30, इससे ज्यादा तो आप लेट होते हैं तो फिर लेट हो जाते हैं, सो हाथ जोड़ के विनती, आप 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना है, बैठे रहना है जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, थोड़े समय के लिए के पैसे भी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। और जिन्होंने रूहानी जाम के लिए फार्म नहीं भरे हैं तो फार्म जरूर भर लेने हैं, जिनको रूहानी जाम नहीं मिला तो रूहानी जाम पीकर जाएं,
रूहानी जाम के लिए फार्म भरना बहुत ही जरूरी है। जिनके फार्म नहीं भरे गए हैं तो आप फार्म जरूर भर लें, भाइयों के फार्म भाइयों वाले पंडाल में, बहनों के फार्म बहनों वाले पंडाल में ही भरे जा रहे हैं। और लंगर भोजन आपने श्रद्धा के साथ ग्रहण करना है, लंगर बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने देना, झूठा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जितनी जरूरत है उतना ही लेना है। आपके साथ छोटा बच्चा है तो उस बच्चे को भी उतना ही लंगर भोजन दिलवाया करें जितना बच्चा खा सकते हैं। आधे लंगर की जरूरत है आधा लें, आधे से कम की जरूरत है आधे से कम ले लें। सेवादार मना नहीं करते लेकिन झूठा या बेकार बिल्कुल भी नहीं डालना, ये बात का पूरा ध्यान रखना है। लंगर सतगुरु का बेशकीमती प्रसाद है, जिस भावना से जिस श्रद्धा से खाते हैं तो आपको वैसा ही फल मिलता है। बहुत सारी बीमारियां लंगर खाने से ही ठीक हो जाती है, यहाँ पर लाखों उदाहरण है। तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण करना है। सुबह की मजलिस का समय 9 बजे का है। अब पूजना गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपने यहाँ पंडाल में ही लाइनें लगाकर लंगर भोजन ग्रहण कर लेना है। जो कैबिनों में बैठे हैं कैबिनों से बाहर आपने लाइनें लगाने हैं जी। और बहनों ने बहनों वाले पंडाल में रहना है, भाई वाली साइड में नहीं आना। और महाअभियान के फार्म भी जिन्होंने नहीं भरे हैं तो आप ये फार्म जरूर भर लें, बहुत ही सुनहरी अवसर है। सात संगत के पास सतगुरु जी की अपार रहमत को प्राप्त करने का, अपार खुशियों को प्राप्त करने का। दोनों साइडों में आगे की तरफ ये फार्म भरे जा रहे हैं, भाइयों के फार्म भाइयों वाले पंडाल में, बहनों के फार्म बहनों वाले पंडाल में आगे की तरफ भरे जा रहे हैं। केवल एक दिन की सेवा होती है, कहीं पर 2 दिन की, और इतने सारे वचन पूजा गुरु जी ने फरमाए हैं तो बहुत ही सुनहरी अवसर है। तो जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं महाअभियान वाले, महाअभियान इंसानियत की सेवा का, ये फार्म भी आप जरूर भर लें। और दूसरे अन्य जो फार्म भी हैं परोपकार महाअभियान के, वो तमाम फार्म दोनों साइडों में भरे जा रहे हैं, ये फार्म भर सकते हैं। एक छोटे बच्चे यहाँ पर आई है, पीले और ब्लैक कलर की ये इन्होंने कोटी पहनी हुई है, ब्लैक कलर की टोपी है गुड़िया की। जिस किसी के साथ ये बच्ची है अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाएंगे। धन अन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो कंप्यूटर टाइपिंग का काम जानते हैं गेट नंबर 8 के पास एड्रेस समिति में जाकर मिल लें, वहां पर जाकर आप सेवा कर सकते हैं जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भी सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं। रूहानी जाम के फार्म जरूर भरने हैं, जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं तो फार्म अवश्य भरें जी। धन अन सतगुरु तेरा ही आश्रम।